हाँ जी नमस्कार, मैं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल FFAR इंडिया पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दबा के इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो नहीं लाइक करिएगा। नीचे कुछ आपके सवाल हो तो कमेंट्स में नीचे जरूर पूछ लीजिएगा। कुछ आपको अपना शेयर करना हो, कुछ थॉट्स शेयर करनी हो, कुछ सुझाव देना हो तो वो भी नीचे कमेंट्स में शेयर जरूर कर लीजिएगा मेरे से। और फाइनली अगर ये वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये वीडियो मदद कर सकती है किसी और अन्य जने की, तो उन लोगों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे थंबनेल में आपने देखा, आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ये टेरेस टावर स्कैम्स के बारे में। शायद आपने इसके बारे में सुना हो, शायद नहीं सुना हो। ये टेरेस टावर स्कैम्स हैं, ये हैं मोबाइल कंपनियों के आड़ में, मोबाइल कंपनियों के नाम पे लोगों से ठगी करने का एक जरिया, जो कि बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है ऑल इंडिया और लोग इसके शिकार बन रहे हैं। मेरी वकालत में भी कुछ केसेस मेरे पास आ रहे हैं और इस पे जब आप ऑनलाइन सोशल मीडिया और गूगल पे रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि ये एक बहुत बड़ा उभरता हुआ मेनेस हो गया है। और इसी कारण से मैंने आज कहा कि आज मैं वीडियो बनाऊं। एक बात आप और ध्यान देंगे, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हैं मेरे हाथ मेरी गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील्स पे नहीं है और साइड से ट्रैफिक नहीं निकल रहा है। इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि मुझे सुझाव आते रहता है कि त्रिपाठी साहब आपकी जान बड़ी कीमती है, थोड़ा ध्यान दिया करें जब आप वीडियो बनाते हैं तो गाड़ी चलाते ट्रैफिक में थोड़ा सा कॉशियस बी केयरफुल। तो मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं कोशिश करूंगा। देखिए, समय बचता है, मैं मेरा काम के कारण मुझे ट्रैवल करना पड़ता है डेली एटलीस्ट ट्वाइस, और ट्वाइस मिनिमम ऑफिस, घर से ऑफिस या घर से कोर्ट, कोर्ट से ऑफिस, ऑफिस से घर, कोर्ट से घर। तो उसमें मेरा करीब एक घंटा से सवा घंटा सवेरे का, एक घंटा से सवा घंटा शाम का, तो दो ढाई घंटे तो मेरे ट्रैफिक में जाते ही हैं। प्लस मेरा करीब 10 से 12 घंटा से 14 घंटा मेरा वर्क शेड्यूल होता है डेली का। तो मैं समय बचाने की कोशिश करता हूं, इसी कारण से वीडियोस को एटलीस्ट डे वाली राइड में, डे टाइम वाली में जिसमें लाइट अच्छी होती है, मैं शूट करने की कोशिश करता हूं। मल्टीटास्किंग कर लेता हूं, मेरे लिए वीडियो शूट करना वैसे ही है जैसे कि गाड़ी में गाना चला के सुनना, कोई इट डजंट डिस्ट्रैक्ट मी। लेकिन आप लोगों के सुझाव आ रहे थे तो अब मैं कोशिश करूंगा कि जब जब मुझे समय मिले और गाड़ी चल ना रही हो या गाड़ी मैं साइड में पार्क की हो, तब तब मैं वीडियो बना लूं। और मेरे वीडियो आप लोग देखते ही होंगे, अनएडिटेड होते हैं, लाइव होते हैं, एक्सटेम्पोर होते हैं, वन सिंगल कट में होते हैं और इनको सीधे ऐसे ही शूट करके मैं बस अपलोड कर देता हूं। तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगता है, जो भी वीडियो की लेंथ होती है वही टोटल टाइम होता है मेरा वीडियो बनाने का। फिर उसमें मैं बस प्रेस करके अपलोड करके भूल जाता हूँ। एक बार अपलोड जब यूट्यूब पे हो जाता है वगैरह, तब मैं उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन और बाकी डिटेल वगैरह डाल देता हूँ। लेकिन आप लोगों के सुझाव को मानते हुए मैं अब से कोशिश करूंगा कि मेरी मैक्सिमम वीडियोस गाड़ी वाली, कार वाली जो आए वो स्थिर आए, जब गाड़ी चल नहीं रही हो, गाड़ी पार्क्ड हो। आज महाशिवरात्रि का दिन है, छुट्टी का दिन है, बैंकिंग हॉलिडे है, पब्लिक हॉलिडे है, तो मैं घर पे बैठा हूं। और हाल में मैंने रियलाइज किया है कि जो स्टूडियो, बेस्ट स्टूडियो गाड़ी का, कार का स्टूडियो है, क्योंकि आउटसाइड नॉइज वगैरह कट जाती है। तो अभी तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं, घर पे बैठा हूं, गाड़ी पार्क्ड है और शूट कर रहा हूं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां, जियो हो गई रिलायंस की, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, ये लोग इनको अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, जहां पे नेटवर्क इनका साफ नहीं आता, ये लोग टावर लगाते हैं। तो वो टावर ये लोग
बीच शहर में लगा सकते हैं, सिटी में लगा सकते हैं, गांव में लगा सकते हैं, कहीं कहीं जहां भी इनके नेटवर्क की कमी है वहां ये टावर लगाते हैं। तो टावर के को लेकर के जो है एक नया स्कैम शुरू हो गया है, वो मैं बता दूं। वो ये है कि पहले तो एक अफवाह मार्केट में फैलाई गई है इन स्कैमर्स के माध्यम से कि अपने घर के ऊपर टावर, चाहे आपका घर मिडिल ऑफ सिटी में हो, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री में, चाहे विलेज में हो, स्मॉल टाउन में हो, कहीं भी हो, आप ये टावर अगर लगवा दें अपने यहां तो आपको मंथली बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा और आपकी रोजी जो है अगले 30 साल तक गारंटीड हो जाएगी। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस अपने घर के छत के ऊपर टावर लगवा दीजिए, ठीक है। तो ये इस किस्म की अफवाह एक स्कैमर्स ने फैलाई है और आप लोग भी शायद इसके बारे में आपने सुना होगा या आप इसके विक्टिम्स बनने वाले होंगे, और ना बने इसी से मैं आपको बचाना चाहता हूं। तो पहले तो ये मिथ को मैं जरा क्लियर कर दूं आपको, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, और ये लगा के आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं और खबर आती है कि टावर लगा दिया घर के ऊपर तो महीने का आपको 50,000 रुपया किराया मिल जाता है सिर्फ अपने टेरेस के ऊपर टावर लगाने से। तो महीने का 50,000 आपको पैसा मिल जाता है और 30 साल तक ये टावर की आपकी गारंटी होती है, 30 साल तक आपको पैसा हर महीने मिलते रहता है। तो क्या ये तो कमाल की आमदनी है, तो हर कोई अपने घर बैठे टावर लगाना चाहता है। तो चलिए इसी के बारे में आज मैं इस मिथ को जरा मैं इसमें क्लैरिटी डालना चाहता हूं। पहली बात तो दोस्तों ये है कि सिर्फ और सिर्फ मेट्रोज में, माने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, आप समझ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों, टीयर वन और इनफैक्ट मेट्रोज में जो रेट है वो मैंने चेक किया, रिसर्च करी ट्राई की वेबसाइट से और पूरा इस पे छानबीन करने के बाद मैंने पाया कि सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज में अगर आप अपने घर के ऊपर टावर लगा देते हैं ये मोबाइल कंपनीज का, तो आपको रेट 50,000 रुपए तक का मेट्रो में मिल जाता है महीने का। वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो का रेट है चार शहरों का। उसके आगे हम बढ़ते हैं टीयर वन सिटीज में, और टीयर वन जितनी सिटीज हैं, जो बड़ी सिटीज हैं, 10 सिटी हो गई, 15 सिटी बड़ी सिटीज हो गई, उनमें ये रेट 50,000 का गिर के 35,000 महीना हो जाता है। पहले मैं ये शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, ये जान लीजिए 50,000 इज द टॉप मोस्ट रेट जो मार्केट में फैला हुआ है। 50,000 मिल जाता है टावर लगा दो, हर किसी को नहीं मिलता है। हाँ, तो 35,000 रेट टीयर वन में चले जाता है। टीयर टू चले जाते हैं तो ये रेट 30,000 तक गिर जाता है, 20,000 से 30,000 तक गिर जाता है। टीयर वन में चले जाते हैं तो ये रेट 10,000 से 15,000 तक गिर जाता है, और अगर विलेजेस में चले जाते हैं तो ये रेट 4,000 से 6,000 रेट पे गिर जाता है। तो पहले तो ये जान लीजिए एक स्टैंडर्ड रेट 50,000 नहीं है, ये रेट 4,000 रुपए महीने से 50,000 रुपए तक का है, डिपेंडिंग ऑन आप किस विलेज, किस टाउन, किस टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री या मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। 4,000 से 50,000 रुपए तक महीने का। तो ये पहला मैंने मिथ को क्लियर कर दिया, इसमें क्लैरिटी डाल दी, ये जान लीजिए, क्योंकि एक जागरूक ग्राहक, हाँ, एक अच्छा ग्राहक होता है, समझदार ग्राहक होता है, जो बेवकूफ बनने से और स्कैमर्स के स्कैम में फंसने से बचता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको एम्पावर करने के लिए मैं दे रहा हूं, इसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। दूसरा, अब दूसरी बात, अब आप समझे, दूसरी बात ये है, हाँ, जो बहुत बड़ी बात है कि अब ये स्कैमर्स ने फैला रखा है कि ये कंपनियां जो हैं, ये इनकी तमाम वेबसाइट्स हैं और ये लोग आपसे संपर्क करेंगे और आप अपने घर के ऊपर टावर लगा लीजिए। तो मैं आपसे पहली बात ये शेयर करना चाहता हूं कि हर कोई अपने घर के ऊपर, टेरेस के ऊपर टावर नहीं लगा सकता है। उसके दो कारण हैं। पहला तो जो कंपनी है, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, वो कंपनी डिसाइड करती है उसको टावर की कहां जरूरत है। कहने का मतलब, अगर वहां नेटवर्क अच्छा ऑलरेडी आ रहा है उस एरिया में, तो वो क्यों आपके घर के ऊपर एक और टावर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। टावर लगाना उनके लिए भी महंगा पड़ता है, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम, ठीक है। तो टावर सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी, ये नेटवर्क कंपनी, मोबाइल कंपनी, टेलीफोन कंपनी वहां ही लगाएगी जहां उनको जरूरत है, इसलिए नहीं कि आप अपने टेरेस के ऊपर टावर लगाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि आप जहां रहते हैं, आपके टेरेस के
ऊपर टावर लगाने से उनका फायदा होगा, कंपनी का नेटवर्क बढ़ेगा। अभी वहां पे नेटवर्क नहीं आता है, अगर आपकी मोबाइल वहां ऑन है तो आपकी फ्रीक्वेंसी हेलो 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 आप बोलते रहते हैं, आपका टावर नहीं आता है, सिग्नल्स नहीं आते हैं, आपका कनेक्टिविटी इंटरनेट बहुत स्लो होता है, तब और सिर्फ तब आपके यहाँ वो कंपनी इंटरेस्टेड होगी टावर लगाने में। ठीक है जी, ये दूसरी बात, ये भी एक, हाँ तो ये आपको जानने की जरूरत है, हर जगह नहीं, सिर्फ जहां नेटवर्क खराब होता है वहां ही पे ये बात होती है, लागू होती है। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है, तीसरी बात अब आप जाने, तीसरी बात ये कि सिर्फ और सिर्फ ये टावर लगाने के लिए आपको ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करने होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, और उन्हीं के जो रिकग्नाइज्ड, हाँ उन्हीं के जो लाइसेंस्ड कंपनीज हैं जो कि ये टावर लगा सकती है वही लगा सकती है, उनके अलावा कोई और नहीं लगा सकता है, जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह। ठीक है, और ट्राई की इसमें सख्त गाइडलाइंस है, उन्हीं को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब आप ट्राई की अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो ट्राई भी परेशान हो गया है इन टेरेस पे टावर लगाने स्कैमर्स के कारण, और ट्राई ने भी बहुत सारी नोटिफिकेशन गाइडलाइंस जारी करी हैं और कंज्यूमर ग्राहक को बेवेयर होने को, अलर्ट होने को कहा है, क्योंकि ट्राई भी परेशान है, ये स्प्रिंग लाइक मशरूम, स्प्रिंग लाइक ये स्कैमर्स जो फैल गए हैं, जिन्होंने अपना जाल फैला दिया है आजकल ये आपके टेरेस पे टावर लगाने का। अब आप ऐसा करें, हाँ मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, गूगल पे सिर्फ जाके टाइप कर दीजिए टेरेस टावर फॉर टेलीफोन कंपनी, इस किस्म का गूगल पे कुछ लिखिए, हाँ टेलीफोन टावर ऑन माय टेरेस, टेलीफोन टावर, आई वांट टू इंस्टॉल टेलीफोन टावर, आई वॉन्ट टू इंस्टॉल टावर ऑन माई टेरिस, ऐसा आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि गूगल एड्स में 10-12 एड्स खुल जाते अलग अलग internet.com कंपनीज के, जो सब और बड़ी प्रोफेशनली मेड ये वेबसाइट होती हैं, जो कि सब दावा कर रही होती है कि हाँ 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 हम लोग टावर लगाते हैं, आपको 50,000 रुपए देंगे, हम लोग लगाएंगे, हमारा टाई अप जियो से भी है, वोडाफोन से भी है, एयरटेल से भी है, हम टावर लगाएंगे, और वो पूरा अपना डिटेल देते हैं। तो मैं आप लोगों को सबको आगाह करना चाहता हूं कि ये जितनी भी कंपनीज हैं जिसके एड्स खुलते हैं, जिसकी बड़ी माशाल्लाह फंटास्टिक वेबसाइट्स हैं, ये सारे के सारे चोर, स्कैमर्स और फ्रॉड्स हैं। आई रिपीट, ये सारे के सारे चोर, स्कैमर्स और फ्रॉड्स हैं। मोबाइल टावर सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन, एयरटेल, जियो और अन्य टेलीफोन कंपनीज लगाती हैं, और ट्राई के माध्यम से टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी के सुपरविजन में, ये जितनी जो स्कैमर्स बाय नाइट की वेबसाइट्स खुलेगी, जो सब दावा करेंगे हम इनके सब एजेंट्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, हाँ ये सारे के सारे फ्रॉड्स हैं और स्कैमर्स हैं, और इनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर ट्राई की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो, ट्राई ने वहां रिकग्नाइज्ड लाइसेंसीज और उनके सब एजेंट्स और सब लाइसेंसीज का भी डिटेल दिया हुआ, उससे आप चेक कर सकेंगे वाकई क्या इस कंपनी का लाइसेंस है, तो आप पाएंगे किसी का नहीं है, बड़ी लिमिटेड कंपनीज हैं जिनका लाइसेंस है। ठीक है, और ये सारे जो क्लेम करते हैं कि हम उनके सब लाइसेंसीज हैं, सब ब्रोकर्स हैं, हम लगाते हैं टावर रिलायंस के बिहाफ पे, ये झूठे दावे करते हैं, ये झूठे हैं, स्कैमस्टर्स हैं और फ्रॉड्स हैं। ठीक है, इनसे बचिए, और जैसे ही आप ये डालेंगे गूगल पे, जैसे मैंने कहा 8-10 एड्स खुलेंगे, वो सभी मैंने एक एक को चेक किया है, वो 10 के 10 एड्स चोर कंपनीज के होंगे, और आखिरी में शायद गूगल के पेज पे ट्राई की वेबसाइट आएगी और रिलायंस की, जेन्युइन रिलायंस की एक्चुअल वेबसाइट आएगी, भाई रिलायंस की तो एक ही वेबसाइट होगी ना, हाँ मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी, हर कंपनी की एक ही वेबसाइट होगी, वोडाफोन की एक होगी और एयरटेल की एक होगी, बाकी ये सारे जो खुलेंगे ये सारे के सारे स्कैमर्स होंगे, एंड बिलीव मी इनकी वेबसाइट शायद एयरटेल और वोडाफोन और रिलायंस की वेबसाइट से भी बेटर हो, दे आर सो प्रोफेशनल लुकिंग, बट दे आर स्कैमस्टर्स, ये झूठे हैं, ये सब दावा कर रहे होंगे कि हम आपके टेरेस पे लगाते हैं। ठीक
ठीक है। अब इनकी एमओ समझिए, एमओ का मतलब होता है मोडस ऑपरेंडी, इन चोर स्कैमर्स की मोडस ऑपरेंडी समझे। इन चोर और स्कैमर्स की मोडस ऑपरेंडी ये है कि पहले तो इन्होंने वेबसाइट खोल दी और इन्होंने मार्केट में फैला दिया कि टेरेस पे टावर लगा लो, 50,000 पा जाओ। अब आपने सोचा कि हाँ भाई, एक दिन आपने कहा यार मेरी टेरेस खाली है, मैं भी लगा दूं, 50,000 महीने मिलेंगे, और सुना 30 साल तक टावर बहता है, 30 साल तक मिलते हैं तो बड़े अच्छे है यार। तो आप गए गूगल किया और ये 10 वेबसाइटें खुल गई, आप गए, खूब प्रोफेशनल वेबसाइट है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपने उसके चक्कर में पड़ गए, अब उन्होंने पूरा प्रोसीजर डाला है, बड़ा बढ़िया प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर में पहले तो वो कहते हैं कि ऐसा करिए, आप अपना डिटेल भरिए, बड़ा अच्छा सा फॉर्म भरवाएंगे, अपना नाम, डिटेल, एड्रेस वगैरह, और हम चेक करेंगे कि क्या आपके हमारी रिक्वायरमेंट है। अब जब आप ये भर देंगे तो आपको ये टम से एक मिनट के अंदर बता देंगे कि हाँ हाँ, ये जो आपका एरिया है, जो यहां से आपने बताया रेजिडेंस है, यहां पे तो वाकई सिग्नल हमारा कम है और हम यहाँ पे एयरटेल का लगा सकते हैं, टावर लगा सकते हैं, यहाँ एयरटेल का भी सिग्नल कम है और जियो का भी कम है, ऐसे करके ये तुरंत रिवर्ट बैक करेंगे। सब फ्रॉड है, याद रखिएगा, कहीं चांदनी चौक में बैठे या नाइजीरिया में बैठे या टिम्बकटू में बैठे, कहीं भी बैठ के ये लोग बस एक साइबर कैफे जैसे या कॉल सेंटर जैसे एक छोटे से ऑफिस में ये बुद्धू बनाने के लिए बैठे हैं, वहीं से टाइप कर रहे हैं। तो पहले तो ये नीड क्रिएट करेंगे, आपने डाला और तुरंत कह देंगे हाँ हाँ, आपके यहाँ तो कमी हम कर सकते हैं, वी कैन डू। हाँ, पहले इनकी साइट पे लिखा होगा वी विल हैव टू सी कि आपके अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो आपको ये बैकफुट पे डालेंगे, यार मेरे यहाँ लग जाए, आप प्रे कर रहे होंगे यार मेरे यहाँ लग जाए टावर, और तन सिंह का रिस्पॉन्स आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एरिया इज रिक्वायर्स अ टावर। तो आप खुश हो गए, वाह 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 यार, अब तो मेरी चांदी हो गई, टावर लगने वाला है यार मेरे यहाँ, है ना जी। अच्छा, उसके बाद इनका गेम स्टार्ट होता है, ये लोग कहते हैं चलिए आपके यहाँ एरिया में बिल्कुल रिकग्नाइज है, आप ये करना चाहते हैं, तो सबसे पहला हम जो काम करना चाहते हैं जी, हाँ, आप एक प्रोसेसिंग फी है इसमें, देखिए छोटी सी प्रोसेसिंग फी होगी, ये लोग 200 रुपए से 2,000 रुपए तक की प्रोसेसिंग फी लेते हैं आपसे, वो ये कहेंगे तुरंत कि ये आप जमा कराइए ऑनलाइन मॉडल से, ये पेटीएम से कब दो, उससे कब, उससे कब दो, इस सबसे ये अफिलिएटेड होंगे और ये आपका पैसा वहां स्कैम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये शायद आपसे पैसा ना ले और सीधे सीधे कहे कि हम अब आपके यहाँ सर्वेयर भेजवाएं, और वाकई इनकी कंपनी से एक फ्रॉड, बड़ा बढ़िया वेलवर्स्ड, जो पूरा अच्छे से जिसकी ट्रेनिंग हो, वो एक सर्वेयर आएगा अच्छे कपड़े वपड़े पहन के, इनकी वेबसाइट, इनकी कंपनी का नाम वाम डाल के, कि वो देखने आया है आपके एरिया, आपका घर की कैसे लगेगा, वो आपके घर भी घुस जाएगा, आपके टेरेस पे भी चढ़ जाएगा और तरह तरह के एक दो इंस्ट्रूमेंट्स लाएगा, सारे फ्रॉड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेके आएगा, बड़े प्रोफेशनली आपको बुद्धू बनाएगा और सब करवर के 10 मिनट 15 मिनट टाइम स्पेंड करके आपको कहेगा कि हाँ मैं आपका प्रपोजल आगे भेजवा हूँ, मैं ये सर्वेयर रिपोर्ट आगे भेजूंगा कंपनी को कि हाँ इनकी टेरेस फिट है टावर लगाने के लिए, और चाचा जी चिंता ना करिए, बस काम शुरू हो जाएगा और आपकी तो वाह 30 साल तक छुट्टी हो गई। और ऐसे ही मन मन में आप पूछेंगे कितना पैसा वैसा, तुरंत सबसे ज्यादा आप टाउन में हो, विलेज में हो, जो भी रेट हो, सीधे बोलेगा 50,000 रुपए तो आपको महीने मिल जाएगा, बाकी मैं भेजता हूँ, देखता हूँ। अब आप खुश हो गए, फिर वो आपसे एक फॉर्म भरवाएगा फर्जी सा, हाँ, और फिर कहेगा नहीं नहीं आपको मुझे कोई कैश नहीं देना, इनकी एक और मोडस है, लोग ना कैश ऐसे कोई आए देने में झिझकते हैं, नहीं नहीं कैश आपको, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है चाचा जी, तो मैं ये प्रोसेस आगे बढ़ा रहा हूँ, ये रिपोर्ट जैसे आपकी हो जाए, सर्वे रिपोर्ट मैं फाइल कर दूं, फिर आपको एक पैसा जमा करना पड़ता है चाचा जी, और फिर ये नेक्स्ट राउंड का, आपसे 200 से 2,000 पहले ले चुके होते हैं, ये नेक्स्ट राउंड में आपसे, हाँ, बड़ा वाला 8,000 से 10,000 की पेमेंट ये लोग लेते हैं कि ये आपको जो है डिपॉजिट करना है, ये आपका ये होता है, आपको अपना आधार कार्ड वगैरह सारा डिटेल झाम माम करेगा आपसे नेक्स्ट राउंड के पैसे लेने के लिए। 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आएगी और आपको बताया जाएगा हाँ जी हमारे सर्वेयर ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, आपका टेरेस फिट पाई जाती है, एरिया फिट पाया जाता है टावर लगाने के लिए, अब आपको बस ये करना है, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी है और ये पेमेंट है 8,000 रुपए की, ये पेमेंट करिए। और कहते और उसमें ये लोग फ्रॉड फर्जीबाजी करेंगे, कहेंगे कि ये पेमेंट जाएगी ट्राई को, पैसा दिया जाता है और रिलायंस को वगैरह वगैरह, सारा कुछ झूठ होगा, ये नेक्स्ट राउंड की आपसे पैसे लेंगे। आपने नेक्स्ट राउंड की पैसे दिए और उसके बाद जहां आपने पैसे भर दिए खत्म, आपके शुरू के 200 से 2000 रुपए और बाद के 8000 से 10000 रुपए ये ऐंठने में कामयाब हुए, बीच में उन्होंने एक सर्वेयर भी भेजा जिसके 500 रुपए तेल के खर्चे आए और काम हो गया,
₹10,000 आपके कुएं में गए और आप बुद्धू बन चुके हैं। आप टेलीफोन टावर टेरेस टावर स्कैम के एक विक्टिम बन चुके हैं, क्योंकि उसके बाद ना कोई टेलीफोन पे आपका, इनके टेलीफोन पे या कॉल सेंटर पे कोई आपकी उठाएगा, इनकी मेल को वो आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और 70% की जो कंपनीज है ये इंडिया में बैठी नहीं है, वेबसाइट से ऑपरेट कर रही हैं कहीं बाहर पे, इसराइल में बैठी हैं, सीशेल आइलैंड्स में बैठे हैं, केमन आइलैंड्स में बैठे हैं, नाइजीरिया में बैठे हैं, ये ऑपरेट ही नहीं करते हैं यहाँ पे इंडिया में। और जो एकाध दुक्का इंडिया में ऑपरेट करते भी होंगे उनको आप खोज लीजिए, इनको आप पा नहीं पाएंगे। और एज अ वकील आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में जो साइबर सेल है और सीबीआई के माध्यम से, सीबीआई चल भी चलाती है साइबर सेल वगैरह, ये सब ऐसे स्कैम्स में बड़ी लो प्रायोरिटी आपको देते हैं। आपका 8-10 हजार का स्कैम हुआ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग कुछ काम नहीं करेंगे। अनलेस द स्कैम हैज लेड टू अ 200 करोड़ फ्रॉड और द स्कैम हैज लेड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन, अ मर्डर विच इज नाउ अंडर मीडिया स्क्रूटनी। हाँ, मीडिया उस पर ध्यान दे रहा है, तब जाके हमारे ये साइबर सेल वाले गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ काम करेंगे, हरकत में आएंगी, वरना ये कुछ नहीं करते हैं, सोते रहते हैं बैठ के कंप्यूटर में दिन भर, टीवी वो नाच गाना देखते रहते हैं। मेरा इनसे प्रोफेशनल लेवल पे इन लोगों से मेरा हुआ है इंटरेक्शन 2-3-4 केसेस में लेकर के, मैंने यही पाया है कि दे आर एब्सोल्यूट अलूफ एंड नींकम्पूप्स, एंड अपेरेंटली ये सीबीआई के अंडर और सीआईडी के अंडर ये आता है ये सेल्स, लेकिन कुछ नहीं करते हैं ये लोग, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये जैसे मैंने कहा, सिर्फ केसेस ऑफ हाई ऑन प्रायोरिटी और मीडिया स्क्रूटनी वाले केसेस या पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाले केसेस, उसमें या जिस केस पे मर्डर वगैरह हो गया है उसमें ये लोग ध्यान देते हैं। आपका 10,000 गया, आपके जैसे 10,000 लोगों का 10,000 गया, इनको कोई मतलब नहीं है, दे आर नॉट बॉदर्ड। अनलेस वो बड़ी पॉन्जी स्कीम बन गई हजारों करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ों का, और मीडिया उसको लाइट मिली, तब ये लोग हरकत में आते हैं। तो बेसिकली टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका 10,000 मेहनत का पैसा गया कुएं में और आप बन गए इस टेरेस टावर या टेलीफोन टावर स्कैम के एक विक्टिम, ठीक है जी। तो इस स्कैम से, इस टेरेस टावर स्कैम, इस टेलीफोन टावर स्कैम से बचिए। मैं आपको आगाह करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, और मैं यही बताना चाहता हूं कि वाकई टेरेस टावर्स लगते हैं और पैसा मिलता है, जो मैंने बताया 4,000 से 50,000 रुपए, लेकिन ये टेरेस टावर सिर्फ और सिर्फ रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल और ये टेलीफोन कंपनीज लगाती हैं ट्राई की परमिशन से। इनके सब एजेंट्स लगाते हैं जो बड़े लिमिटेड होते हैं, ये हर जगह हर छत पे नहीं लगाया जा सकता है, सिर्फ जहां नेटवर्क कम आता है। और ये कंपनियां सर्वेयर भेज के और पैसे वैसे आपसे नहीं लेती है, ट्राई के वेबसाइट पे जाइएगा, कुछ एडवांस डिपॉजिट नहीं करना होता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो भी फ्रॉड कंपनी दावा करती है कि इनके साथ काम कर रही है, वो सब फ्रॉड्स है, ध्यान रखिएगा। और इसकी ये बड़ा ही, इसका एक बड़ा टाइट सिस्टम है, वाटर टाइट सिस्टम है काम करने का, जिसमें बड़े फ्यू ऑपरेटर